लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शादी कर लें? किससे? तुम वो उस अंग्रेज से जो अपनी नाक में कुछ ढूंढ रहा है, और मैं वो सेक्सी ब्लैक वुमन के साथ कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? शादी भी मजाक है तुम्हारे लिए? नहीं, शादी वो कीमत है जो एक आदमी सेक्स के लिए चुकाता है, सेक्स वो कीमत है जो एक औरत शादी के लिए चुकाती है। आदमी और औरत की इस गहरी फिलॉसफी को समझने के बाद क्या तुम उनसे शादी करोगे? हाँ। माँ से तुम बात करना। तुम अपनी माँ से बात नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन पापा से तुम बात करोगे। ओके, लेकिन पहले तुम माँ से। क्या हुआ? She suddenly started breathing very heavily and collapsed. Pulse is very low. Okay. सुनो, तुम माँ के पास चलो, मैं हॉस्पिटल जाके आता हूँ। कौन है वो लड़की? कितनी प्यारी है ना, उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। इतनी सी थी जब हमारे पड़ोस में आई थी, सेक्सी ने तो बुधा की जिंदगी ही बदल दी। अब तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सेक्सी, लेकिन हुआ क्या है उसे? ब्लड कैंसर। पता नहीं उसका नन्हा सा शरीर ये सब कैसे सह सकता है, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। 3 हफ्ते में 7 बार इसी तरह अस्पताल गई है। हेलो, क्या व्हाट? इज ही ओके? इज ही ओके? बट इज क्या हुआ? पापा हॉस्पिटल में है, दिल्ली में है। रात भर चेस्ट पेन की शिकायत करते रहे। आईसीयू में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और उन्हें तो डायबिटीज भी है और शुगर लेवल भी बढ़ गया है उनका। मुझे जाना पड़ेगा। फिक्र मत करो बेटी, तुम जाओ वहां, तुम देखो सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। हाँ, लेकिन जब कुछ अच्छा होना होता है तभी ये सब क्यों होता है? कॉफी पियो, रिलैक्स हो जाओ, तुम देखो सब ठीक हो जाएगा। और हम तो आपसे ये कहने आए थे कि तुम कुछ मत कहो, अभी कॉफी पियो, चीनी डालो। ओके। हम शादी करना चाहते हैं। हम उससे? पक्का? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन जिम गया है और देखो उसे क्या मिल गया। कैसी है? डेवलप कंट्री माय फट, 6 साल की बच्ची के शरीर से कैंसर नहीं निकाल सकते। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ डेवलप कंट्री? नथिंग मेक्स एनी सेंस, नथिंग। पापा बहुत बीमार हैं। इतना रुपया है, इतना पैसा है इस देश में, इतना पावर है, इतना रिसर्च है, फायदा क्या है? व्हाट इज यूज? बना बना हथियार बना, मारो लोगों को और कर भी क्या सकते हो तुम लोग? क्या देश है यार ये? पापा बहुत बीमार है, मुझे इंडिया जाना है। Does any of this make any sense to you? Does any of this whole thing make any bloody sense to you? मुझे कल ही जाना है। छोटी सी बच्ची है, कैंसर नहीं निकाल सकती उसका। मुझे कल ही इंडिया जाना है। तो जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ। मेरे पापा बीमार हैं घासपूस। हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? मेरे पापा बीमार हैं। तो जाओ ना, सबको जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अरे क्या यार, जैसे तुम घबरा रहे हो वैसे मैं भी घबरा रही हूँ। मेरे पापा हैं वो। ओके, कब? कल वापस?
मिल सकती हूँ सेक्सी से? नहीं, सो रही हो। वापस कब आ रही हो? नहीं आ रही हूँ। तुम आ रहे हो, याद है पापा से बात करना है? मैं नहीं आऊंगा। तो मत आओ। Hey. कोई भी बुलाएगा तो मुड़ जाओगी? बस बस। फ्लाइट कितने बजे? कल 10 बजे। सुबह सुबह नाश्ते में चिकन खाएंगे, टंगड़ी कबाब। अरे सुना है छतरी वापस इंडिया चली गई है? इसीलिए कोलगेट इतना दुखी है। वो बात नहीं है, माया बोलती है शादी कर लेते हैं। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? बच्चा है वो, बोल रही है डस नॉट मैटर हु द फादर इज। अब मुझे शेक हो रहा है। क्या हो रहा है? शेक हो रहा है। शेक हो रहा है? शेक डाउट हो रहा है। बच्चा किसका है? अरे सिंपल, बच्चा पैदा होते उसके दांत चेक कर लेना, पता चल जाएगा। देख कॉलगेट, तेरे बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। क्या रखेगा? छोटा कॉलगेट। या? मैं घर आ गई। कैसे? डॉक्टर ने भेज दिया डीवीडी देखने के लिए। ला रहा है ना? हैं? हाँ हाँ ला रहा हूँ, देख रहा हूँ ये वाली डीवीडी जो तू देख सके। टाइम वेस्ट मत कर, सब ले आ। या Do you have any more adult DVDs that a child can watch? What? तंगड़ी कबाब। हेलो तंगड़ी कबाब। कौन? आपका नाम तंगड़ी कबाब किसने रखा? जिसने तुम्हारा नाम सेक्सी रखा ना उसी ने। वो सो रहा है मेरे साथ, मेरे बेड पे। कैसी हो तुम? सेक्सी हूँ। आप? उतनी सेक्सी नहीं हूँ। कहाँ हैं आप? दिल्ली। छोड़ दिया इसको? Hey, no, phone line. कबाब में हड्डी। हेलो, या, कैसे हैं तुम्हारे पापा? सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सिर्फ शुगर लेवल बढ़ी हुई है। तो चीनी तुम्हारी फैमिली के खून में है? या शी, या शी तक। ये तंगड़ी कबाब कौन है? हाँ? वो हम यू नो कुछ हो गया, शादी करने वाला हूँ उससे। मुझे पता था तू मुझे छोड़ देगा। नहीं, मैं तो तुम्हें उस दिन बताना चाह रहा था, लेकिन यू नो वो दिल्ली में तू यहाँ क्यों? डर है मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी? तू मेरी परमिशन के लिए रुका है? गिल्टी गिल्टी? ओके, जब तक मैं ये सारी डीवीडीज खत्म कर लूं तू जाके वापस आ जा, समझा? मुझे उसको देखना है, मेरे से भी सेक्सी है वो कबाब में हड्डी। तो कब चल रहे हैं हम दिल्ली? हम सोच रही हूँ एक बार हरिद्वार हुआ हूं। हरिद्वार? तुम क्यों, तुम्हारे सेक्स इन द सिटी बंद हो गया क्या? तेरी मर्जी, या तो अब ले चल या बाद में मेरी अस्थियां ले जाना। मैं कोई हरिद्वार गिरिद्वार नहीं जाने वाला। तो मैंने कब कहा कि तुझे हरिद्वार आना है? मुझे भी तो तुझसे छुट्टी चाहिए। ए माला है दिल्ली में,
उसी के साथ रहूंगी और उसी के साथ चली जाऊंगी। 22 years, 22 सालों में एक दिन भी मैं इस रेस्टोरेंट से अलग नहीं रहा। तो गिनीज बुक में नाम लिखवा ले। ये भी जाएगी तेरे साथ? क्या ये क्यों, इसका एक्स्ट्रा टिकट लगता है क्या? ससुर से मिलने जा रहा है, दामाद तो बन के जा, मैं काटू। इसे सब्जी समझ रखा है? हीमा, बारे, सालम, मोग, कपलाओ। दिस इज ओके, नाउ ट्राई दिस। कोरी, मेलग, उप्पू, वेरी वेल, से इट वेरी वेल। हीमा बारे, हीमा। Hey, that was perfect. Saleh. Don't worry. You go and tell boss this. He'll be very happy Saleh. With you. You know what? He'll make Saleh. You his boss. Saleh, more. But Saleh. Where is boss? Hello? कहाँ हो तुम? रात से ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा नंबर। 35,000 फुट की ऊंचाई पर कोई सेलफोन काम नहीं करता अभी तक। क्यों, कहाँ जा रहे थे? कहाँ हो तुम अभी? तुम्हारा बाप कहाँ है? क्यों? तुम दिल्ली में हो? नहीं, सिर्फ मेरी किडनीज आई हैं, तुम्हारे बाप से मिलने के लिए तड़प रही हैं। घासपुस, चुप रहो यार, कहाँ हो? शंग्रिला। What? Why can't you come up to the room? I thought you're going to give me a hug. Okay. How are you? How's the weather? How's everybody else? चलो ऊपर चलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें अपना टूथब्रश दिखाना है। Come on. चुप। फिट लग रहे हो। चलो ऊपर चलते हैं। इतने भूखे हो? चलो ना। And something's different. Hey, what happened? Oh yeah. हाँ। इसके लिए वीजा नहीं मिला। Hey, but it was so cute, yeah. Cute. Yeah. Watch this. Cool. Cool ना? चलो ऊपर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। क्यों, घर में कोई नहीं है? पापा हैं। पापा के सामने? छी छी, come on. चलो, move. Come on. अच्छी कार है। कार, 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 टैक्सी। टैक्सी शब्द जितना सेक्सी उतना कार नहीं। hey, सेक्सी। बाप से मिलने जा रहा है, डर लग रहा है। नहीं, डर किस बात का? एक मिनट का काम है। एक मिनट का काम? कितने दिन में होगा? ये बताओ कितने डीवीडी देखे अब तक? 10 बजे हैं। Too slow, huh? Okay, talk to you later. Bye. कैसी है सेक्सी? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम पापा से क्या कहने वाले हो? सिंपल बोल दूंगा। नहीं, क्या क्या बोल दोगे? यही कि हमारे शरीर के यौन केंद्र यानी सेक्स सेंटर हाइपोथैलेमस में है, जो कि यहाँ दिमाग में है। हाइपोथैलेमस हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जज्बातों पे काबू रखता है। मर्दों में हाइपोथैलेमस जरा बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा दिनों तक अगर उसे यौन संबंध यानी सेक्स से दूर रखा जाए तो बेचारा हाइपोथैलेमस जो है वो अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाता है, गुस्से में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, इंसान मर जाता है। इसलिए मैं आपकी बेटी नीना से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हाइपोथैलेमस जो है वो बेकाबू हो गया है। Two more required now. Rahul Dravid on strike. He's on 40. The partnership's worth 95. Short ball. Has he put it away? Yes, he has. Yeah. Papa. ये बुद्धदेव जी लंदन से। लंदन से? आई आई लॉर्ड्स, आई आई क्रिकेट का मक्का है। आई आई लंदन, कोल्ड वेदर, स्विंगिंग बॉल। तो आप भी बहुत क्रिकेट देखते होंगे? नहीं, आप भी रिटायर्ड है मेरी तरह। सुनो, भजन, भोजन एंड भाजी। भाजी? हरभजन सिंह भाजी। ओह,
बाजी नहीं है जी, नहीं, मैं एक शेफ हूं, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है। दैट्स नाइस, नाइस, वेरी नाइस। गांधी जी, यू नो गांधी जी ने भी यही कहा है कि इंसान को आखिरी दम तक काम करते रहना चाहिए, टिल इज लास्ट ब्रेथ। ये अनफॉर्चुनेटली बुद्धा साहब, ये मेरा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तो अब आप कैसे हैं? ए बुद्धा साहब, इस उम्र में तो शरीर सेकंड हैंड एम्बेसडर की तरह होता है। कभी कार्बोरेटर में कचरा कभी सस्पेंशन में लफड़ा तो बार बार सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है। हमारी उम्र में तो बीमारियों की लंबी लाइन लगी रहती, यू नो इट। एक बार इसकी शादी हो जाए ना, बाद में अपनी बची खुची जिंदगी एकदम फ्री माइंड से गांधी बापू के आदर्शों पे चलने में लगा दूंगा। मैच कौन सा चल रहा था? बकवास, वनडेज। इतने वनडेज चलते रहते बुद्धा साहब की पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ खेल रहा है। रंग बिरंगी पजामे पहन के सर्कस बना दिया है क्रिकेट को ये वनडे मैचेस में। असली क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। Five glorious days, five days. दरअसल मैं नीना से। अरे हाँ, नीना, बुद्धा साहब को अपनी अदरक वाली चाय पिला। बोला है पापा। बुद्धा साहब, हमारी उम्र में अदरक वाली चाय पीनी चाहिए एवरी डे। स्टमक मस्ट बी वहां दो, स्टमक मस्ट बी सॉलिड लाइक राहुल द्राविड, अ वॉल सॉलिड। लीजिए ना चाय, लीजिए। सो द रियल क्रिकेट इज द टेस्ट क्रिकेट। आपने देखा होगा 1961 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, याद आया? कॉलिन काउड्री, रिची बेनो, देखा था आपने? मैंने नहीं देखा। अरे हाँ, हमारे जमाने में टीवी कहाँ था देखने के लिए। मैं बीबीसी के रेडियो कमेंट्री की बात कर रहा हूँ, इजंट इट? जॉन आर्नॉल्ड, ब्रायन जॉनस्टन, दैट वाज द रियल कमेंट्री। इंपेकेबल इंग्लिश, राइट वर्ड्स, है ना बेटा? हाँ पापा, 1961 में 61 में तो तू पैदा भी नहीं हुई थी, सॉरी 61 में मैं भी कुछ 13-14 साल का रहा हूंगा। और आप जी? पापा, चाय ठंडी हो रही है। अब चाय लीजिए ना प्लीज। सो हाउ इज योर वाइफ एंड किड्स एंड एवरीबॉडी? सब लंदन में सब सेटल हो गए होंगे, बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे। नाम क्या रखा है पोते का? जी मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या गांधीवादी बाप है तेरा, क्या से क्या बना दिया मुझे। जब भी मुंह खोलता हूं उससे कुछ बोलने के लिए, मुझे याद दिला देता है कि मैं उसकी उम्र का हूं। कैसे, आखिर कैसे कहूं मैं उसको? क्या करूं, मैं हूं उसकी उम्र का, क्या कर सकता हूं? नहीं हो तुम उनकी उम्र के। मतलब? He's just 58. 58? या मुझसे 6 साल छोटा? या और मैं उसकी बेटी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब तो मुझे भी शर्म आ रही है। तुम ही बात करो ना उससे, तेरा बाप है वो। अच्छा इधर आओ। क्या? इधर आओ ना। 58? इस पिलर के सामने खड़े हो जाओ। हाँ खड़ा तो हूँ। यहाँ अंदर, इधर आओ। कौन? अब अपने हाथ मिलाओ एक दूसरे से, ऐसे नहीं। हाँ। पलट जाओ अब। रिवर्स? ये अशोक का पिलर है, जानते हो? कहते हैं कि यहाँ अगर खड़े होके अपने हाथ छू लोगे ना एक दूसरे से, तो मन में जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। नॉनसेंस, ट्राई तो करो ना। ढूंढ ढूंढ के एक मई मिला था क्या तुझे? मुझसे ज्यादा जवान आदमी है, उनको पकड़ना था ना। सब लड़के हैं घासपूस, और लड़कों को आदमी बनने में वक्त लग जाता है, कभी कभी ज्यादा ही लग जाता है। 64 साल लग जाते हैं, क्या करूं? टच, 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 ट्राई। मेरी तो यही इच्छा कि तू अपने बाप से बात कर। अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, तुम्हीं को बात करना पड़ेगा मेरे पापा से। टेल योर पापा टू गो टेक अ वॉक हियर। 6 बजे वॉक। कल कमाल कर दिया यार। अरे धोनी जैसा कोई नहीं। जय राम, जय राम।
आपने सलीम दुरानी का मैच देखा है? He used to hit six on demand. Oh yes, Prince what Salim. A batsman. And that too left hand. On demand he used to hit. Yeah. What a batsman. Yes, yes. Butta sir. Hello. Good morning. Good morning. Namaskar. Mr. Agarwal, Mr. Jain, Mr. Chopra, Butta sir. पिछले 27 ईयर से एवरीडे मॉच 27 ईयर 16 जैन पिछले 27 ईयर से एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है विदाउट फेल आपका भी होगा ऐसा लंदन में सीनियर सिटीजन क्लब नहीं आपके चश्मे का पावर कितना है पावर चश्मे का पावर ये डिजाइनर क्या है कि ये चश्मे निकाल के सुबह सुबह नंगे पैर आप हरी घास पे चलिए देखिए पावर कम हो जाएगा लगता है उम्र के साथ साथ बुद्धा साहब भी अंधविश्वासी हो गए नंगे पैर हरी घास पे दौड़े ये देखिए सुबह सुबह जी भरकर हमने भी जिया जवानी लेकिन उस जवानी का एक मतलब था एक मकसद था देश के लिए कुछ करना ऐसा नहीं पहले बाप के पैसे से फास्ट फूड खाओ फिर बाप के पैसे से नाइकी शूज खरीदो और दौड़ो ये है फिटनेस इंपोर्टेड फिटनेस इंपोर्टेड निना कहो भाई यहां का एक भी लड़का पसंद नहीं ना मुझे तो लगता है कि लड़का इंपोर्ट करना पड़ेगा वो नीना के बारे में एक बात करनी थी एक इंपोर्टेंट इंपोर्टेड दामाद जमाना बदल रहा है हमें जमाने के साथ साथ चलना होगा हाँ साथ साथ ही चलते आइए चलिए आइए एक जमाना था बुद्धा साहब की विदेशियों को भगाने के लिए इस देश के लाखों लोगों ने सत्याग्रह किए हाँ और आज ये जमाना है कि विदेश जाने के लिए लाखों लोग सुबह 5 बजे से बिना कुछ खाए पिए वीजा की क्यों में खड़े रहते बिल्कुल सही बात है ये विदेशी क्रेज कब जाएगा और कैसे जाएगा गांधी जी तक का रोल करने के लिए हमें इंपोर्टेड बैन किंग्स ली चाहिए भाई हमारे पास नसीरुद्दीन शाह नहीं है क्या जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है बुद्धा साहब कि मैं बापू को नहीं देख पाया वो जनवरी में शहीद हुए और मैं फरवरी में पैदा हुआ आपने तो जरूर देखा होगा लकी यू लकी गांधी जी को ही क्यों गांधी जी के दादाजी को भी देखा हूं मैं तो मेरे वर्सांची ग्लासेस मेरे कूल वर्सांची ग्लासेस तेरे बाप को बुढ़ापे का चश्मा दिखाई देता है अच्छा सच्ची बताओ मुझे इंप्रेस करने के लिए ही उस दिन कॉमेडी थिएटर आते आते खरीदा था ना नहीं हाँ नहीं नहीं तब तो 100% हाँ नहीं माँ होती तो एक दिन में बुड्ढे को ठीक कर देती तुम्हारे यही वक्त मिला था हरिद्वार जाने का माँ ये तुमने बताया नहीं अरे आजा मेरी गड्डी में बैठ जा क्या लग रही है तेरी जात का पैदा मारू क्या कहता उन्हें चल देखे साले को चल गो भाई चल चला बुड्ढे को देखते चल 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 ये लोग इधर आ रहे हैं यार चलो निकलते नो 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 वेट वेट चलो ना नो नो वेट चलो ना वेट वेट जब तक मेरी आवाज है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम्हारी आवाज है तुम मेरे बाप से बात करोगे आपके पूछ पिताजी ने मेरा भेजा चाट चाट के दिमाग का दही बना दिया चल दही पापड़ी चाट खाते हैं चले ये लो जी अरे भाई एक प्लेट टिक्की दे देना मीठा है ओ भाई साहब ये दही पापड़ी चाट है मिठाई का डब्बा मीठा है यार ये लो सदा जी
कड़वा है। मैं दिखाऊं कैसे बनाते हैं? अंदर आऊं क्या मैं? मैं अंदर आके दिखाता हूं ना। तुम घर आओ, घर पे बनाओ जो बनाना है। What an idea! खाना खिला खिला के बाप को पटाओ। ओके, लेकिन तुम उनकी पसंद जानते हो? मैं लंदन के सबसे बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट का शेफ हूँ। I know my job. Okay? Just chill, baby. Yeah. Yeah. Just chill. I will. I know what my job is. You just watch. Watch what I do to your dad. लेकिन बुद्धा साहब ने तो कुछ काफी ताम झाम कर दिया है। क्या आ रहा है भाई? ले जाओ। हाँ? लौकी। बैंगन, आलू, मटर। गुड। बाकी सब डिश लेकर आइए। गेट एवरीथिंग और शुरू कर देते हैं। आ जाइए। बस यही नहीं है। लगता है आपका रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है। कुछ चिकन विकन नहीं? वो आप ये गांधी जी तो गांधीयन में पूरा हफ्ता हूँ वेजिटेरियन, सिर्फ एक दिन मंगलवार। अच्छा। और जब तक चिकन नहीं खाते लगता नहीं कि कुछ खाया है। पूरा वेजिटेरियन होने में अभी बहुत टाइम है। सिस्टम अपना स्ट्रांग है। लगता है बुद्धा साहब का सिस्टम जंग पकड़ लिया है। सीमा, ओ फ्रिज में कल का चिकन होगा, लेकर आना। हाँ जी। कैसा गांधी जी का भक्त है। गांधी जी कहा करते थे वेज खा वेज खा वेज खा। ये साला डायबिटिक बुड्ढा वेज खाने वाले को खाता है। बुड्ढा प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धा प्रॉब्लम है। खिला मत पिला, आइडिया वाइडिया छोड़, सीधे से एक ड्रिंक पे बुला के सब बोल दे। अमरीश पुरी, प्राण, केन सिंह, वेट 69, मैंने तो विलन लोगों का विस्की भी पिया है। लाइफ में सब ट्राई करने का, लेकिन किसी भी आदत का गुलाम नहीं बनने का। एक बार गुलाम बन गया ना बुद्धा साहब, तो फिर 200 साल लगते हैं आजादी पाने में। एक दिन चलता है, एक दिन से कोई गुलाम नहीं बनता। शुगर नहीं बढ़ता, शुगर नहीं बढ़ेगा। आपने आपको कभी अकेलापन नहीं महसूस होता? ऑलमोस्ट 25 साल हो गए नीना की माँ को गुजरे हुए। यस। और फिर उसके बाद किसी और को नहीं देखा? व्हाट? दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? नो बुद्धा साहब, क्या है कि हर उम्र का अपना एक मतलब होता है। अब देखिए, बचपन में खेलो, जवानी में ऐश करो, फिर शादी करके गृहस्थी का सुख लो, और बुढ़ापे में संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम टू गो, ऊपर जाने की तैयारी करो, दैट्स इट। दूसरी शादी? अब हमारी उम्र में शादी वादी का क्या फायदा? नो नो नो, नीना की चिंता रहती है ऑफ कोर्स। बुद्धा साहब, आप तो लंदन में किसी 35-36 साल के नौजवान लड़के को जानते होंगे, अ गुड लुकिंग बॉय, यू नो, तो नीना के बारे में सोचिए ना। आप सोचिए, मैं बाथरूम जाके आता हूं। टू मच ऑफ सोडा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। W, 3 बार टाइप करना होता है। कौन? वो कमीना,
तुझसे शादी करना चाहता है। डिस्कस्टिंग। मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। व्हाट? व्हाट? क्या बोले? तू उससे कैसे कर सकती है शादी? नहीं, मैं तुझे गलती नहीं करने दूंगा। अरे तेरे बाप की उम्र का है? नहीं, 6 साल बड़ा है आपसे। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मंजूर? लेकिन पूछ कौन रहा है आपसे? बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैं भी बता देता हूं, मेरे जीते जी ये नहीं होगा। तो कब जा रहे हैं आप? पापा, अगर आपका दामाद आपकी उम्र का है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है वो आपके पैर नहीं छुएगा? छुएगा ना पापा, आपको पापा कह के नहीं बुलाएगा, बुलाएगा। मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं, तेरे बारे में सोच रहा हूं मैं। देख बेटे, वो कितना जिएगा? 5 साल, 10 साल, फिर? पापा, मैं बुद्धा को चाहती हूँ, उसकी उम्र को नहीं। किसी के साथ 50 साल बिना प्यार के जीने से तो अच्छा है कि मैं उसके साथ 5 या 10 साल जीऊं जिससे मैं प्यार करती हूँ। और वैसे भी किसको पता है पापा कि कौन कितने साल जिएगा? मम्मी तो आपसे छोटी थी ना, वो गई ना आपसे पहले। जस्ट शट अप, ओके? तू अपनी उम्र के लड़कों के साथ तो खुश नहीं रहेगी पापा। उम्र 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 क्या उम्र पापा? अब मैं जिसे प्यार करती हूँ वो मेरी उम्र का नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब में यही है। अब आप इसे मेरा बैड लक समझिए या कुछ भी समझिए, चलिए खाना खाते हैं। नीना, नीना रुको, नीना रुक जाओ, मैं कहता हूँ। नीना, घासपुस, क्या हुआ? तो मैं तुम्हारा बैड लक हूँ। घासपुस, क्या बैड लक? बैड लक वो तो मैंने बात को हल्का करने के लिए कह दिया था, मुंह से निकल गया बाबा। भारी सच, हमेशा ऐसे ही बात को हल्का करने के लिए मुंह से निकल जाता है। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बाप से 6 साल बड़ा हूं। सच तो ये कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 34 साल की है। सच तो यह है कि औरत 34 साल तक जब अकेली रहती है तो वो उस अकेलेपन से घबराने लगती है। सच तो यह है कि उसी घबराहट की वजह से तुम्हें लगा कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो 2 साल के बाद मुझे वो भी नहीं मिलेगा जो मुझे आज मिल रहा है। हमारे रिश्ते का भारी सच यही है। और हल्का सच यह है कि आज भी तुम्हें बड़ी आसानी से मुझसे ज्यादा जवान आदमी मिल सकता है। तो जाओ, जाके किसी अपनी उम्र के लड़के से शादी कर लो। किसी को जानते हो? कोई फोटो? फोटो है तुम्हारे पास? मैं जा रहा हूँ। Come on, घासपुस, what is this, या? पापा जी, खाना लगा दूँ? खाना? अब तो एक बूंद पानी भी तभी अंदर जाएगा जब वो उसे छोड़ देगी। खाना खाके जो नहीं किया जा सकता, भूखे रहकर किया जाएगा। Come on, दीदी, पापा जी खाना नहीं खा रहे। Oh, hell! अच्छा, मैं आती हूँ। जाना पड़ेगा, पापा खाएंगे नहीं तो उनका शुगर लेवल सीरियस हो जाएगा। एयरपोर्ट प्लीज। एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि ये होटल की टैक्सी लंदन तक नहीं जाती। जाओ जाके अपने बाप को खाना खिलाओ, जिंदा रहेगा तभी तुम्हारी उम्र का दामाद ढूंढ पाएगा। यहां से किस लिए? किस्मत पे रो रही है क्यों? ओह, एक 64 साल के आदमी पर आपने मेहरबानी की और उसने आपका एहसान नहीं माना। Hey, चल। आ,
सीमा चाय ला। पापा जी चाय। गो। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई कुछ करना। अभी तो कुछ नहीं खाया, अब ड्रामा चल रहा है। अरे शुगर गिरेगा तो कोमा में चला जाएगा। मैं आता हूं। नहीं नहीं, तुम मत आना इधर, वरना गांधी जी ने तो बहुत कुछ सिखाया है, उसने सिर्फ यही सिखाया है और कुछ नहीं। क्या करें अब? जोर से उसे पकड़, जबरदस्ती मुंह खोला पिला दे ऑरेंज जूस। कोशिश की थी। कुछ करना घासपूस। आत्महत्या करना अभी भी इस देश में जुर्म है ना? जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसे रोकें। आपका मतलब? कोई खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसे रोकें। ओके, अब मतलब सुसाइड हुआ नहीं है, होने वाला है? नहीं, कोशिश हो रही है। इससे पहले कि कोशिश कामयाब हो जाए आप उसे रोकें। आपका मतलब आदमी किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़ चुका है? नहीं, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं, घर में ही। हाँ, मतलब पंखे वंखे से लटक कर या फिर नींद की गोलियां? नहीं, वो भी नहीं खा रहा है। हाँ? खाना छोड़ दिया उसने। दरअसल दो दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, खुद को भूख से मार रहा है। ओहो, आपका मतलब सत्याग्रह? नहीं, ऐसी कोई महान बात नहीं है, वो हमें धमकी दे रहा है। दरअसल वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी मुझसे शादी करे। हो, मैं समझ सकता हूँ। क्या समझ सकते हैं? नहीं, अब आपका दर्द? दर्द दर्द कुछ नहीं है, गुस्सा है मुझे। पर सर ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस छोटे से प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई छोटी सी सलूशन है? हाँ, जाके बोल दीजिए उनको कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ रहा हूँ, उससे शादी नहीं करूंगा, फिर वो खाना खाने लगेगा। और आप क्या कीजिए, आप उस लड़की को किसी मंदिर में ले जाकर छुपके से शादी निपटा दीजिए। ब्रिलियंट आइडिया। अगर मुझे यही करना होता तो मैं आपके पास क्यों आता? आप उसे अरेस्ट कीजिए, वो इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम जो शादी कर रहे हैं वो कानूनन सही है, वो जो कर रहा है वो कानूनन जुर्म है। इट्स एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। आप उसे इस वक्त अरेस्ट कीजिए, जबरदस्ती खाना खिलाइए और हम सबकी तकलीफ कीजिए। सर सर प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं मजबूर हूँ। हाँ, आप कहें तो मैं आपके साथ चलकर उन्हें एडवाइस दे सकता हूँ, पर अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसे किसी आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकता जो भूखा रहकर
यानी सत्याग्रह से अपना विरोध प्रकट करता हो। और हमने तो हमेशा ऐसे लोगों को महान समझा है। इस देश में एक सत्याग्रही को अरेस्ट करके कोई बच नहीं पाया सर। कुछ ले देके? नहीं सर, इस मामले हम ले तो सकते हैं पर कुछ दे नहीं सकते। सॉरी हाँ। कैसे खिलाऊंगा सब आपको? हेलो, कहाँ है मेरी बहू? अपने बाप के पास गई, उसके बाप ने खाना छोड़ दिया। क्या? चाय गरम चाय, बड़ा बड़ा लो, चाय चाय चाय, सैंडविच सैंडविच, बड़ा बड़ा समोसे ले लो, गरम गरम समोसे। चलो, कहाँ? शर्म नहीं आती? तू इतना बड़ा शेफ है, एक भूखे आदमी को खाना नहीं खिला सकता? चल। तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, सिर्फ सेकंड है, अभी दो दिन और टिकेगा। अरे नहीं नहीं यार, अभी तो कम से कम चार दिन टिकेगा। कम से कम हफ्ता लगी सर, लगी। दिन पे मेरा लगा 500 रुपए। ये ले मेरा, ये ले मेरा भी लग गया, मेरा भी ले। तो रुक, हेलो, गंगा जल पिला देना उसको। सर प्लीज, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। गंगा जल पीने से मोक्ष मिलता है। घबराइने में आपकी बेटी को ले जाने या आपको खाना खिलाने नहीं आया हूं। एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग टू यू। आपसे तुमसे 6 साल बड़ा हूं यार, शो मी सम रिस्पेक्ट। प्रॉब्लम क्या है? सेम ओल्ड, लोग क्या कहेंगे? आई डोंट थिंक सो। लोगों की अगर तुम्हें परवाह होती तो इसे 34 साल तक अकेला नहीं रहने देते। तो लोग क्या कहेंगे सर, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। लोगों की तुम्हें चिंता नहीं, बेटी की चिंता हो सकती है। हैं? हैं? बेटी की चिंता है? देखो, शराबी, कबाबी, जुआरी, निकम्मा, शादीशुदा, मुझमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम्हें यह फिक्र हो सकता है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, तो इंश्योरेंस है, शुड बी टेकन केयर ऑफ, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं नहीं, क्या है प्रॉब्लम? क्या है, क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि मैं 37 साल बड़ा हूं? आजकल तो बड़े उम्र की लड़कियां छोटी उम्र के लड़कों से शादी कर रही हैं। एटलीस्ट हम परंपरा तो नहीं तोड़े, वी आर फॉलोइंग ट्रेडिशन, नो प्रॉब्लम देयर एट ऑल। सो इज द रियल प्रॉब्लम माय एज? आई एम ओवर 21 इयर्स ओल्ड, परफेक्टली लीगल मैरिजेबल एज, नो प्रॉब्लम देयर एट ऑल। 64 साल का हूं मैं, आई एम 6। हे, इज दैट योर प्रॉब्लम? 64 साल, 64? आखिर है क्या चीज ये उम्र? ये इंसान की उम्र का अंदाजा ये नहीं, ये है। इट्स ऑल इन द ब्लडी माइंड। एंड एनीवे, आदमी बूढ़ा तब होता है जब उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। मुझमें तो अभी जीने की इच्छा शुरू हुई है। सो मी बीइंग 64 इज नॉट अ प्रॉब्लम। 64 साल प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। क्या 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 क्या? चुप, जो बोलना है पानी पी के ठीक से बोलो। तुम ठीक से बोलोगे तो मैं ठीक से सुनूंगा। कॉमन सेंस कहीं तुम्हारा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, कॉमन सेंस तुम्हारा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारी जान जाएगी।
तुम्हारी जान जाएगी तो तुम्हें अपनी बेटी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। दो घंटे, सिर्फ दो घंटे रोएंगे लोग, इससे ज्यादा टाइम नहीं लोगों के पास आजकल, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं ही बचूंगा तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए। चल, इतना कॉमन सेंस 100% है तुम्हें यार, 100%। एक्चुअली तुम्हारा असली प्रॉब्लम जलन तो नहीं है? Come to think of it, तुम्हारा प्रॉब्लम है जलन। You're jealous, just plain, simple, jealous. फिक्स कर लिया था तुमने कि बुढ़ापा माने भजन भोजन भाजी। हिल गया होगा तुम्हारा भेजा हमें देख करके, जरूर हिल गया होगा। किसी का बुढ़ापा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? यही सोच के तुम्हें जलन हुई होगी, है ना? That's it. That's a problem. You're jealous. That's his problem. His problem is that he is jealous. He's jealous. Hey, हाथ नहीं लगाना। The man is just plain and simple jealous. Jealous मतलब? तुम वही कर रहे हो जो खूबसूरती से जलने वाला हर इंसान करता है, खूबसूरती को मिटाने की कोशिश। सोच लिया था तुमने कि बुढ़ापे में एक इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है जबकि मैं खुद बुढ़ापे को झेल रहा हूं। Of course you're jealous. You're just jealous. चलो उठो, पानी पियो। सब कुछ मुझे ठीक से नजर आ गया। चलो चलो सोचते हैं कुछ। ये लो पानी, पानी पियो। जलन इंसान को अंधा बना देती है। गांधी जी के सत्याग्रह से देश को फायदा हुआ था, तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से तुम्हारी बेटी को सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं। क्या लगता है तुम्हें, मैं चला जाऊंगा तो ये किसी और से शादी कर लेगी? नहीं करेगी। और बैठ, बूढ़ी हो जाएगी लेकिन अकेली रहेगी सिर्फ तुम्हारी जलन की वजह से। हे, तीन सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड लगता है शादी करने के लिए। सिंधु कहां है? कहां है सिंधु? हां ये रहा, ये लगा दूं हैं? लगा दूं सिंदूर? लगा दूं? लगा दूं मैं हैं? लगा दूं हैं? देखा, तुम्हें जिंदा रखने के लिए खुद को मार रही है। और एक तुम हो, बाप हो तुम इसके? श्योर, कैसे बाप हो जो बेटी की जिंदगी छीनने के लिए इतना जल रहे हो? क्या तुम इसके बाप नहीं हो सकते? नहीं हो तुम इसके बाप। ये इसका बाप नहीं है। वाह, क्या तेजाब भरी जबान है, बिल्कुल मेरी जैसी। गाड़ी रोको। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ जिम जा, जिम जा। तुम फुल वेजिटेरियन मत बनना। छोड़ दिया ना अपनी छतरी को, कहाँ हो तुम? कुतुब, मैं आ रही हूँ। बुड्ढा मान गया क्या? बल्ले 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 बल्ले, मैं सदके जावा कुर्बान जावा, बल्ले बल्ले बल्ले। ओए कुतुब का जादू चल गया, आज भी रज में शादी रे रसिया, आज भी रज में कुतुब का जादू चल गया जी, कुतुब का जादू चल गया। I'm so sorry, we're completely booked this evening. Sir, what? Khima, Bare, Salim, Morg, Kapalau.
कीमा भरे साले मुर्ग का पलाव, गुड। दीवानी हांडी, बघारे बैंगन, खट्टी दाल, सालिम रैन। Who ran? Salim ran. R double A N. Oh, ran. Ran. Ran? अरे भाई ये कॉलगेट कहाँ है? सर वो चला गया इंडिया। बच्चा पैदा कर। साले साले ran. चल साले। अब तो मुस्कुराइए। आप बहुत लकी हैं। आज के जमाने में बहू के हाथ का खाना मिल जाए तो नसीब की बात है। आपको तो दामाद के हाथ का खाना मिल रहा है। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच लॉर्ड्स में। दो टिकट है मेरे पास। तुम्हें तो क्रिकेट पसंद नहीं है, माँ तो चलेगी? जरूर। लॉर्ड्स मक्का ऑफ क्रिकेट, मुझे भी कब से इस दिन का इंतजार था। क्रिकेट मैं चलूं? Yeah.